सबको जय मसीह की। और एक बार फिर से हिंदी के इस ऑनलाइन सर्विस में आप सबों का स्वागत है। इस वर्ष हम लोगों ने कुछ बातों को नए तरीके से सीखा है, जानते थे फिर भी सीखे हैं, और वो है कि पैंडेमिक में खुद को सुरक्षित कैसे रखें या अपने प्रियजनों को सुरक्षित कैसे रखें। तो तीन बातों को हम लोगों को काफ़ी जोर दिया गया है कि हम उसकी ध्यान रखें। तो किसको किसको मालूम है कि हम लोगों को किन बातों का ध्यान रखना है? जी हाँ, सबसे पहली बात, हमें बार बार अपने हाथों को धोना है। कहीं भी बाहर निकलते हैं या किसी अजनबी के सामने जाते हैं तो हमें मास्क पहननी है, दूरियां बनाए रखनी है, किसी से ज़्यादा करीब जाकर बात नहीं करना है, और अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसे क्वारंटाइन रहना है, यानी एकांत में अलग रहना है। आइए देखते हैं कि इन बातों को हम आज पहली बार सीख रहे हैं यह वचन हमें बहुत पहले से सिखा रहा है। निर्गमन की पुस्तक अगर हम देखते हैं, उसके 30 अध्याय और 18 से 21 पद अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वहां लिखा है कि हाथ धोना कितनी जरूरी है और हाथ धोकर अपने हाथों को शुद्ध बनाना कितना आवश्यक है। लय व्यवस्था अगर हम पढ़ते हैं, 13 अध्याय उसका 4 पद, 5 पद और 46 पद, तो आप वहां पाएंगे कि वचन कहता है कि जब हमें कोई किसी भी प्रकार की बीमारी हो जो किसी और को संक्रामित हो, जो किसी और को इन्फेक्ट कर सकें, तो हमें उस वक्त कैसे रहना है? अपने मुंह को ढककर रखना है, लोगों से दूरी बनाए रखना है, और अगर लगता है कि बीमारी कुछ दिन चलेगी तो खुद को एकांत में रखना है। परमेश्वर हमारे लिए बहुत पहले से उपाय बताकर रखें जो आज हमें फॉलो करना है। तो ये ना सोचें कि ये अभी नया क्या आधुनिक टेक्निक निकल गया है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें काफी पहले से इन बातों को अमल करना सिखाते आए हैं। इस बात से मुझे एक और बात बहुत अच्छी बात याद आई है, बताना चाहूंगी आप लोगों को कि परमेश्वर जब मछलियों को बनाना चाह रहे थे, जब उनको पानी में मछलियां चाहिए था, तो उन्होंने पानी को आज्ञा दी और उसमें मछली आ गए। जब वो पेड़ पौधे चाह रहे थे तो भूमि को आज्ञा दिया और भूमि से पेड़ पौधे उगे। लेकिन जब मनुष्य को बनाना चाह रहे थे तब उन्होंने किसी को और को आज्ञा नहीं दी, लेकिन खुद से कहा कि आओ हम मनुष्य को बनाएं, और उन्होंने अपने हाथों से अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया। अगर मछलियां ना रहे तो भी पानी रहेगी, पानी ना रहे तो मछलियां मर जाएंगे, पेड़ पौधे धरती बगैर सूख जाएंगे, लेकिन धरती पेड़ पौधे के बगैर भी धरती ही बनी रहेगी। वैसे ही मनुष्य परमेश्वर के बगैर कुछ भी नहीं, लेकिन अगर हम परमेश्वर के पास ना भी जाएं तो परमेश्वर परमेश्वर ही रहेंगे, परमेश्वर नहीं बदलेंगे। लेकिन अगर हम परमेश्वर से दूर रहना चाहें तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, हम कुछ भी नहीं हैं। आइए हम इसी को वचन से पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसके 4 और 5 पद को देखेंगे। वचन में यूं लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में। जैसे डाली यदि दाख लता में बनी ना रहे तो वह अपने से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाख लता हूं, तुम डाली हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझ में मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में उन्नति हो, हम चाहते हैं कि हमारी बीमारी हमसे दूर हो जाए, हम अगर चाहते हैं कि मेरी ज़रूरतें पूरी हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से पले बढ़े, वो अच्छी शिक्षा पाएं, तो हमें अपनी जड़ से, उस डाली से, उस दाखलता से लिपटे रहना है। अगर हम उससे अलग होंगे तो हमारा जीवन फलवंत नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं फलवंत जीवन तो प्रभु में बने रहिए। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु मैं सिर्फ और सिर्फ तेरा हूँ। हालेलुया। तेरे बगैर मैं कुछ भी नहीं। अगर प्रभु मैं एक कदम भी चलना चाहूँ तो पिता परमेश्वर मैं आपके बगैर नहीं चल सकता। हालेलुया।
हालेलुया, ओ वर्शिप यू जीसस, वर्शिप यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी, खास करके इस ऑनलाइन सर्विस के लिए पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा हम सब एक बार फिर पिता परमेश्वर आपके नाम में, आपके सामर्थ्य में हम एक साथ हो पाए। स्वर्ग को बनाने वाले, पृथ्वी को रचना करने वाले परमेश्वर, हम आपके सामने झुकते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। आपने पहाड़ बनाए, नदियां बनाए प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, इतने आश्चर्य काम। और प्रभु आपके आज्ञा देने से पिता परमेश्वर ये सारी चीजें बन गई। लेकिन पिता परमेश्वर जब हम तुच्छ मनुष्य को प्रभु जी आप बनाने के सोचे प्रभु, आपने आज्ञा नहीं लेकिन खुद झुककर मिट्टी लेकर प्रभु अपने हाथों से हमें रचा प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। और इस वक्त प्रभु जी हम आपके सम्मुख आते हैं और प्रभु यही चाहते हैं प्रभु कि हम आप में बने रहे, हाँ पिता आपसे दूर ना जाए। राजा सुलेमान कहता है कि जो परमेश्वर से अलग हो जाए तो हमारी बुद्धि, हमारी ध्यान कुछ भी नहीं। परमेश्वर का वचन, प्रभु को जानना ही हमारे लिए बुद्धि का आरंभ है। हाँ प्रभु, अगर ज्ञान है, बुद्धि है पिता, तो देने वाला सिर्फ और सिर्फ आप हैं प्रभु पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु जी, आपके चरणों के पास आने का ये मौका दिया पिता परमेश्वर। हम कुछ भी नहीं पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में जो भी है प्रभु जी वो आप ही का दिया हुआ है। हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए पिता परमेश्वर, आपको आराधना देते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं ब्रदर संतोष दास के लिए प्रभु, पीटर जोसेफ के लिए जो बीमार है प्रभु जी, पिता परमेश्वर आपकी चंगाई भरी हाथ उन तक पहुंचाइए प्रभु, अपने लहू द्वारा पिता उनकी चंगाई दीजिए प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते प्रभु जी, ये पूरी साल पिता एक अलग तरीके का साल हमारे जीवन में होकर गुजरा, लेकिन प्रभु आपकी मौजूदगी, आपकी उपस्थिति हमारे जीवन से नहीं गई प्रभु। और बीते सालों से ज्यादा पिता परमेश्वर आपका प्रेम, आपका अनुग्रह हमने अपने जीवन में अनुभव किया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग आज जुड़े हैं इस ऑनलाइन सर्विस में, हर एक के ऊपर प्रभु जी आपके अनुग्रह, आपकी शांति, आपकी करुणा बनी रहे पिता। हाँ प्रभु जी, अगर कोई मार है, अगर किसी के घर में किसी जरूरत है, कोई बड़े बुजुर्ग है पिता परमेश्वर जो शरीर से लाचार है प्रभु, आज प्रार्थना करते हैं पिता आपके अनुग्रह उनके जीवन के लिए काफी हो। हाँ प्रभु जी, हर एक पर आपके अनुग्रह हो। आज की पूरी सर्विस आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके दास को, आराधना टीम को प्रभु, आप अपनी आत्मा द्वारा हर एक को अगुवाई कीजिए। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, विनतीशु नाम से चाहते थे, ऐसा सुनिया ग्रहण कीजिए, आमेन। सभी को जय मसीह की, प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें फिर एक मौका दिया कि हम उसकी प्रशंसा करें। वचन कहता है कि स्वर्ग के नीचे मनुष्य के बीच में और कोई नाम नहीं जिस नाम में उद्धार हो, और वो नाम सारे नामों में महान है। आइए उस महान नाम की हम प्रशंसा करें। Oh,
सभी को जय मसीह। आज के सुबह में फिर से मैं आपके साथ होकर के बड़े अतिरेक आनंद का अनुभव प्राप्त करता हूँ। परमेश्वर की महिमा हो जो प्रभु ने हमें चाहत रखी हमसे कि हम परमेश्वर के कदमों में बैठकर बातों को सीखें, जानें और आशीष को प्राप्त कर सकें। आज मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ परमेश्वर के वादों को समझने के विषय में। हालेलुया, परमेश्वर के बहुत सारे वादे हैं। बाइबल वादों की पुस्तक है और हमारा परमेश्वर वादों को सिर्फ करने वाला परमेश्वर नहीं परंतु उसको पूरा करने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रिय, जब कभी भी कोई हमसे वादों के विषय बातचीत करता है तो पता नहीं कितने सारे वायदे जिससे परमेश्वर ने हमसे किए हैं याद आने आरंभ हो जाते हैं। आमेन, उत्साहित करते हैं ये वादे, हमें साहस बताते हैं, हमें आशा देते हैं, हमें विश्वास को भर देते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। अगर ये वादे नहीं होते और इन वादों को अगर परमेश्वर ने पूरा नहीं किया होता तो शायद परमेश्वर के वादों पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल होता। और ऐसे समय में पता नहीं हमारे पास बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो हमारे से वादा करें बहुत सारी बातों के लिए, हमें और आपको बात कहें लेकिन शायद वे पूरी कर पाए हों। लेकिन आज के इस सुबह की घड़ी में जब हम परमेश्वर के वचन से बात कर रहे हैं, प्रिय आइए हम ध्यान दें परमेश्वर के वादों को हम कैसे समझें, कौन सी बातें हैं जिनको परमेश्वर अपने वादों के द्वारा हमें और आपसे चाहता है कि हम उनको ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें। 20वीं सदी के शतक में लगभग एक ऐसा समय था जब एक यूरोपियन परिवार USA जाने की चेष्टा में लगा हुआ था। बहुत सालों से वे लोग अथक परिश्रम कर रहे थे कि अपने लिए धन इकट्ठा करें और उस धन के द्वारा वे टिकट खरीदें और अमेरिका जाएं और वहां पर जा करके घूमें फिरें और वापस आएं। अथक परिश्रम के बाद, उनकी बड़ी कोशिश के बाद उन्होंने वो रकम इंतजाम किया और उन्होंने अटलांटिका महासागर को पार करने वाले एक जहाज से अपनी टिकट बुक की जो सबसे सस्ते दाम की टिकट थी। परिवार के लोगों ने अपनी यात्रा में जाने के लिए खाद्य पदार्थ भी खरीदे और साथ साथ में पानी भी खरीदा ताकि वे उसे लेकर के अपनी यात्रा को पूरी करते समय उसका इस्तेमाल कर सकें। ये यात्रा सिर्फ मात्र 10 दिनों की थी और जब वो दिन आया जिस दिन उन्हें उस जहाज से होकर के USA के लिए जाना था, मेरे प्रिय जब वे उस जहाज पर चढ़ने वाले थे और चढ़े तो उनका टिकट जो उनके पास था उसके द्वारा जो उनको जाने के लिए उसमें प्रवेश करने का मौका मिला, जब वे उस जहाज से नीचे सीढ़ियों से उतरते जा रहे थे तो सबसे निचले तह में उनका सीट था, उनकी केबिन थी जहां पर उन्हें बैठने का जगह मिला था। और वे उस जगह में जहां पहुंचे वो एक अंधियारा सा हल्की रोशनी वाला जगह था जहां पर बहुत मुश्किल से कोई अपने समय को काट सके। और वे चुपचाप उस जगह में 10 दिनों तक बैठे रहे।
10 दिनों तक शांति पूर्वक अपने उस दिन को काटे और उनकी उनकी अभिलाषा थी कि अब हम तो यूएसए पहुंचने वाले हैं। और 10वें दिन जब उस जहाज ने अपनी भोपू बजाई, अपना शायरन बजाया और बहुत जोर से आवाज हुई और तब इन्हें समझ में आया कि अब हम लोग न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। और परिवार के सभी लोग बहुत खुश हुए और जहाज से बाहर आए और निकलने वाली कतार में पीछे खड़े हो गए ताकि सब लोगों के साथ वे भी बाहर निकले। जहां पर एक कप्तान, जो जहाज का कप्तान था, सभी लोगों को इस यात्रा की शुभकामनाएं दे रहा था। अंत में ये परिवार जब उस कप्तान के पास आया तो कप्तान ने पूछा, आपकी यात्रा कैसी रही? आपने इस यात्रा में किस प्रकार से अपने समय को काटा? क्या आपने हमारे यहाँ जो भोजन आप लोगों को सेवा स्वरूप दिया गया था, क्या आपने उसका मजा लिया? परिवार का जो मुखिया था बड़े असमंजस में घबराते हुए कैप्टन के पास गया, बोला, साहब हमने तो सिर्फ इस जहाज में एक सस्ते दाम का टिकट लिया था और उसी में बैठ करके हमने यात्रा की थी। हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम अपने लिए यहाँ पर इस जहाज में भोजन खरीद पाते। जानते हैं उस कप्तान ने, जो जहाज का कप्तान था, उसने बोला, महाशय जब आपने टिकट खरीदा था तो उसी में आपके भोजन का भी पैसा काटा गया था। मेरे प्रिय, कई एक बार ऐसा ही होता है, हमारे लिए कीमत जो हमारे पास है उससे नीचे अपनी जिंदगी को जीने से हम मजबूर हो जाते हैं। कई एक बार हम अपने विशेषाधिकार को भी सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पाते क्योंकि हम परमेश्वर के वादे को नहीं समझ पाते जो मसीह के बलिदान के द्वारा हमारे लिए मूल्य दे करके सुरक्षित किया गया है। अभी भी हम परमेश्वर के वादे के अनुसार बातों को प्राप्त करने से कहीं दूर रह जाते हैं। निर्गमन की पुस्तक उसके 7 अध्याय से लेकर के 12 अध्याय अगर हम पढ़ें, निर्गमन की पुस्तक 7 अध्याय से 12 अध्याय तक अगर हम पढ़ें तो परमेश्वर का वचन बताता है कि मूसा और फिरौन के बीच में आमना सामना होता है और वे आपस में वाद विवाद करते हैं और वहां मूसा बार बार अपने अपने लोगों के लिए फिरौन से कहता है कि इसराइल की प्रजा को छोड़ दे जिससे वे जाकर परमेश्वर की आराधना करें। और परमेश्वर और फिरौन ने बार बार उसे झूठी सहमति दी कि वो उन्हें छोड़ देगा। फिरौन ने चाहा कि इजरायली लोग परमेश्वर की उपासना करने के लिए, आराधना करने के लिए कहीं और नहीं जाए वरतु मिश्र में ही आराधना करें। उसने कोशिश किया कि सिर्फ पुरुष ही आराधना के लिए जाएं और सब लोग यहीं पर रहें। और उसके बाद कभी भी उसने उनकी चीजों के साथ, उनके लोगों के साथ जाने के लिए मौका नहीं दिया। मूसा ने परमेश्वर के वादों को पूरा होते हुए नहीं देखा और तब मूसा को एक और काम करने की आवश्यकता पड़ी। उसे अपने इस वादे को प्राप्त करने के लिए कुछ करने की जरूरत पड़ी, जिसे निर्गमन की पुस्तक 10 अध्याय उसके 8 और 9 पद में हम पढ़ते हैं। प्रिय, इसमें लिखा हुआ, निर्गमन की पुस्तक 10 अध्याय 8 और 9 पद में, तब मूसा और हारून फिरौन के पास बुलाए गए और उसने उनसे कहा, चले जाओ अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो, परंतु वे जो जाने वाले हैं कौन कौन हैं? मूसा ने कहा, हम तो बेटियों बेटियों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों समेत वरन बच्चों से बूढ़े तक सब के सब जाएंगे क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है। अगर हमें भी हमारी बातें नहीं दिखाई देती हैं मेरे प्रिय भाई और बहन, तो हमें भी कदम उठाना पड़ेगा। हमें भी अपने लिए इस बात को स्वीकारना जरूरी होगा, हमें और आपको इसके लिए कबूल करना जरूरी होगा। हमारे जीवन में वे सारी बातें हमारे लिए परमेश्वर ने वादे के रूप में रखा है कि वो हमें प्रदान करेगा, सो करेगा। सो आइए हम ध्यान दें कि हमें और आपको करना क्या है। नंबर एक, पहली बात जो हमें करनी है वो ये है, हमें वादों को ग्रहण करना है। परमेश्वर के बहुत सारे वादे हैं जिन्हें परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में वायदों को विश्वास के साथ ग्रहण करें। लूक रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में परमेश्वर का वचन बताता है कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा, जहां बीज बोने वाले के विषय में बताया जाता है। और उसका वचन जो वादे के रूप में है और हमारे हर एक के लिए उपयुक्त है, परंतु इस संसार में बहुत तेरे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वायदों को ग्रहण करने से चूक जाते हैं, नकार देते हैं। परमेश्वर के वायदों को प्राप्त करने के लिए हमें अपने दिल से विश्वास का कदम उठाना होगा।
अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर के वादे पूरे हो जाएं, तो हमें और आपको अपने दिल से विश्वास का कदम उठाने की आवश्यकता है। उसके वादे हमारे हर निराशा की घड़ियों के लिए दिए गए हैं। आमीन। ऐसे नहीं है कि परमेश्वर ने वादा किया और सिर्फ कर दिया और छोड़ दिया है, परंतु हमारे हर एक समय वे वादे हमारे लिए कारगर हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल में अब्राहम और सारा के विषय में बाइबल कहती है कि वे अपने जीवन में परमेश्वर के वादे को लिए हुए चलते रहे और परमेश्वर उन्हें एक बच्चे की आशीष देकर उन्हें आशीषित किया। मेरे भाई और बहन, मैं नहीं जानता हूं कि हम और आप क्या अपने जीवन में वायदों को जो परमेश्वर ने दिया है उसे हम ग्रहण करते हैं या हमने किया है। परमेश्वर का वायदा विश्वास से प्राप्त किया जाता है, ना कि देखने और महसूस करने से। देखने की आदत छोड़ दीजिए प्रिय। हमें और आपको महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, विश्वास से उन वायदों को प्राप्त करने की अब जरूरत है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। दूसरा काम जो हमें करना है वो ये है, शत्रु को अपने वायदों को प्राप्त करने के लिए शामिल करें। ये बहुत साधारण सी बात है। जब आप अपने बंधुवाई के स्थान को छोड़ेंगे तो आपको प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा, आपको उन सारी बातों में से होकर के जाना पड़ेगा। आपको यह विश्वास करना है कि जो कुछ परमेश्वर ने आपसे वायदा किया है वे सारे महत्वपूर्ण हैं। आमीन। परंतु काफी नहीं है, इतना ही काफी नहीं, हमें एक और कदम उठाना है और अपने प्रतिरोध और दासत्व को अपने जीवन में चुनौती के रूप में लेने की आवश्यकता है। मसीही जीवन डरपोक लोगों के लिए नहीं है, डरने का जीवन नहीं है। जब हमें महसूस हो कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के वायदों का आनंद नहीं ले पा रहे हैं तो हम अपने शत्रु को शामिल करें। जानते हैं, इससे हमें और आपको फिर से अपने जीवन में परमेश्वर के वायदों को लेकर के जीने की चाहत जग जाएगी। पौलुस कहता है कि हमारा युद्ध आत्मिक शत्रु से है और हमें परमेश्वर ने गढ़ों को ढा देने की सामर्थ्य दी है। मेरे प्रिय, कौन सी ऐसी बातें हैं जिसने हमें और आपको निराशा में डाल दिया है और हम अपने शत्रुओं को देखकर घबराते हैं? आज भी मेरे प्रिय, वे शत्रु इसलिए नहीं हैं कि हमें और आपको घेरे रहें, इसलिए हैं ताकि हमारे परमेश्वर की छुड़ौती का कार्य हमारे और आपके जीवन में उसके वादों पर विश्वास करने के चलते दिखाई देने पाए। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। तीसरी बात हमें आपको करना है, उत्तरदायित्व को ग्रहण करें। तीसरी बात, परमेश्वर के वायदों का स्वीकार करना यह दर्शाता है कि हम परमेश्वर के सहकर्मी और जिम्मेदार लोग हैं। आमीन। हालेलुया। हमें अपनी परिस्थितियों की जिम्मेदारी को ग्रहण करने के लिए स्वतंत्रता मिली है, फिर अपनी परिस्थितियों के दास होने के लिए भी हमें स्वतंत्रता मिली है और हम हरेक बातों में खुद जिम्मेदार हैं, जबकि हम सदा हमारे साथ होने वाली बातों के जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन हम उन बातों के प्रति उत्तरदायी हैं जो हमसे या हमारे भीतर होती हैं। जब हम अपने शत्रु के बनाए गए योजना के शिकार होते हैं तो हम अपनी आशा को खो देते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हर बात के लिए आप या हम जिम्मेदार हैं, लेकिन आपको विश्वास करना है और करना चाहिए कि परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए एक योजना और उद्देश्य तैयार किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए एक योजना और उद्देश्य तैयार किया, जिसको हम यर्मिया की पुस्तक 29 अध्याय उसके 11 से लेकर 13 पद में पढ़ने को पाते हैं। परमेश्वर की सहायता से हम उन सब बातों का सामना कर सकते हैं जो हमारे जीवन में आते हैं। कोई भी बातें ऐसी नहीं है जिनका सामना हमारे से नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारा सहायक परमेश्वर है, वो अति सहजता से मिलने वाला प्रभु है। ओ मेरे प्रिय, आइए हम जिम्मेदारी को उठाने वाले बन जाएं, आइए हम जिम्मेवार बन जाएं, हम अपने जीवन में उत्तरदायित्व को ग्रहण करें। नंबर चार, चौथी बात हमें करने की जरूरत है, परमेश्वर की शक्ति को माने। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। जब हम और आप परमेश्वर की सामर्थ को मानते हैं तो परमेश्वर अपना कार्य करता है। जब हम अपने असफलता और अपने कार्यों के जिम्मेदारी को ग्रहण कर लेते हैं तो हमें अब परमेश्वर की शक्ति जो हमें विजय प्रदान करती है उसको मानने के हम योग्य हो जाते हैं। इज़राइल के बंधुआई का सबसे बड़ा विषय यह था कि उनका पाप उन्हें बंधुआई में ले गया था प्रिय, लेकिन उनका बंदर और उनकी कमजोरी ने उन्हें परमेश्वर के सामर्थ की ओर झुकाया।
जब हम टूटते हैं, जब अपने जीवन में धराशायी होते हैं, बातें जो हमारे लिए अनहोनी हो जाती हैं, मेरे प्रिय ये विषय हमें हमारे परमेश्वर के सामर्थ्य की ओर झुकने के लिए मजबूर करते हैं। किसी ने भी अपने जीवन का सुख तब तक नहीं भोगा है जब तक उसने परमेश्वर से इसके लिए सहायता और शक्ति नहीं पाई है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि अपने जीवन के सुख को भोगे तो उसे जरूरत है कि वो अपने जीवन में परमेश्वर की सहायता और शक्ति को प्राप्त करे। परमेश्वर के अलावा हमारे जीवन के बड़े युद्ध, चाहे वो पारिवारिक हो, आर्थिक हो, किसी भी मानव क्षमता या योग्यता और गुण के द्वारा मेरे प्रिय नहीं जीते जा सकते। यह सिर्फ तभी पाया जा सकता है, तभी हम विजयी हो सकते हैं जब हम अपनी जिंदगी में अपने परमेश्वर की शक्ति में जीवन जिए, उसकी सामर्थ्य में जीवन जीना शुरू करें। यदि हम अभी भी शत्रु की योजनाओं के अंदर जी रहे हैं तो हमारे लिए एक अच्छी खबर है, हालेलुया, एक अच्छी खबर जो ये है, परमेश्वर की शक्ति हमें छुड़ाने के लिए उपलब्ध है। परमेश्वर की महिमा हो। मैंने जानता हूं कि आप में से कितने लोग हैं जो अपने शारीरिक दशाओं में पीड़ित हैं, अपने मनों में भयंकर दशा में हैं, अपने जीवन की कुछ बातों के अंदर उधेड़ बुन में हैं, लेकिन आप विश्वास करें प्रिय, परमेश्वर की शक्ति हमें छुड़ाने के लिए उपलब्ध है। जब इज़राइल बंधुआई में था तब मूसा ने परमेश्वर के वचन की घोषणा की, मेरे लोगों को जाने दे। मैं आपसे कहता हूं, आइए हम और आप परमेश्वर के वचन की घोषणा करना शुरू करें, परमेश्वर की सामर्थ को माने, परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में जगह दें। और जब हम ऐसा करेंगे मेरा प्रिय, हमें और आपको परमेश्वर छुड़ाएगा। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, क्योंकि वायदे उसने इसलिए नहीं किए कि वह उसे तोड़े, क्योंकि वह जैसे सनातन है उसके वायदे भी सनातन है। इसलिए अपने सृष्टिकर्ता पर आश्रित हो जाएं, उसके हाथों में ही हमारा जीवन है। भविष्य हो, चाहे परिवार हो, चाहे बच्चे हो, चाहे नौकरी हो, अन्य सारी चीजें वह वायदा करता है कि हर परिस्थिति में वह आपकी अगुवाई करने वाला परमेश्वर ठहरेगा, वह आपके साथ रहेगा, वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। चाहे ये समय जो हमारे लिए और संसार के लिए घातक है, लेकिन मेरे प्रिय, हमारा परमेश्वर अभी भी हमारे प्रति वफादार बना हुआ है। आइए हम उसके वादों पर ध्यान दें, आइए हम उसके वादों पर अपने जीवन को रत करें, ताकि हमारे जिंदगी में उसके वादों का सत्य निखर करके सामने आए और हमारे जीवन से परमेश्वर महिमा पाए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो वादा करता है वो कैसा है, उसके विषय में आपको बताऊं। नंबर एक, पहली बात, वह एक विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो अविश्वास योग्य नहीं है। दूसरा तिमोथी उसके 2:13, में परमेश्वर वचन कहता है, यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है, अगर हम अविश्वास भी करने वाले हों तो भी हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहता है, और वो जीवन के इस पथ में हमारे और आपके लिए विश्वास योग्य बना हुआ है। प्रिय, हम और आप विश्वास करें, आज भी उसके वादे को वो कभी भी टालने वाला नहीं है, क्योंकि वो अपनी बातों से कभी पलटता नहीं है। परमेश्वर की महिमा हो। मनुष्य हो तो पलट सकता है, वो अपने वादे को भूल सकता है, लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता है। व्यवस्था विवरण 7:9 को देखें, लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण 7:9 में, इससे जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, यह विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं उनके साथ वह 1,000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। हालेलुया, मेरे प्रिय, परमेश्वर की महिमा। हमारा परमेश्वर हमारे लिए एक ऐसा परमेश्वर जो विश्वास योग्य है, और वह हमसे जो वादा करता है, जो वाचा बांधता है, उसको हमेशा पूरा करता है और हमारे ऊपर करुणा करता रहता है, लेकिन उनके लिए जो उससे प्रेम रखते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। वो परमेश्वर विश्वास योग्य है। नंबर 2, उसकी करुणा सदा की है। भजन संहिता 136 उसके 1-26 पद को हम अगर पढ़ें तो परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रिय, उसकी करुणा में कभी भी अंतर नहीं आता। चाहे हम
अपने जीवन के किसी भी गतिविधि में होकर के क्यों नहीं जा रहे हो, लेकिन उसकी दया हम पर से कभी मिटती नहीं है, हमेशा उसकी दया हम पर बनी रहती है। और इसीलिए तो विलाप गीत उसके 3:21-23 पद हमें और आपको बताता है कि हम मिट नहीं गए। ये महाकरुणा का फल है, उसकी दया अमर है, अभी भी हमारे हर एक की जिंदगियों पर उस परमेश्वर की करुणा बनी हुई है। अगर परमेश्वर ने करुणा नहीं दिखाया होता मेरे प्रिय, तो उसको अपने पुत्र को इस संसार में भेजने की आवश्यकता नहीं होती, तब उसे हमसे और आपसे प्रेम करने की आवश्यकता नहीं होती, तब हम सारे अपने पापों ही में मर जाते। लेकिन परमेश्वर की महिमा हो जिसने अपनी करुणा हम पर दर्शाई, अपने पुत्र को भेजा और आज भी हम पर अपनी करुणा किए हुए है, आज भी वो हमारे और आप पर आस लगाए हुए हैं, हमारे और आप की तरफ इंतजार कर रहा है कि हम और आप उसकी तरफ फिरे और उसके वादों को समझे। जो उसने किया है वो झूठा नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। तीसरा और आखिरी, उसने हमसे प्रेम किया है। वो कौन है? वो विश्वास योग्य है। उसकी करुणा हम पर सदा बनी रहती है और उसने मुझसे और आपसे प्रेम किया है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। वो हमारा परमेश्वर एक ऐसा प्रभु है जिसने हमसे और आपसे प्रेम किया है। उसके प्रेम में कभी भी कोई अंतर नहीं आया है प्रिय। अभी भी वो प्रेमी परमेश्वर अपने प्रेमियों के लिए उसी प्रकार का जागने वाला परमेश्वर है, उसी प्रकार से उनकी पैरवी करने वाला परमेश्वर है, उसी प्रकार से उनकी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। जो उस समय था वो आज भी बना हुआ है। और परमेश्वर का वचन 1 यूहन्ना 4:10 में परमेश्वर वचन कहता है, प्रेम इससे नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, उसने हमसे और आपसे प्रेम किया है। हालेलुया, कैसा प्रेम! उसने हमारे पापों के छुटकारे के लिए, हमें और आपको हमारे पापों से प्रायश्चित दिलाने के लिए अपने पुत्र को भेजा है। उसने वादा किया था अदन के बागीचे में 3:15 जब उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उस औरत से कहा था, उस सर्प से कहा था, उस वादे को परमेश्वर ने पूरा किया है और वो आज भी अपने वादे का पक्का है। मेरे प्रिय, आइए हम समझें, जिसने मुझसे और आपसे प्रेम करने के लिए अपने पुत्र को हमारे प्रायश्चित के लिए भेजा, वो हमें और आपको इससे बढ़कर के और कुछ क्यों न देगा। आइए हम अपने जीवन में इन वादों को तराशें, इन बातों को जो परमेश्वर ने हमें वादे के रूप में दिया है, इनको लेकर के आगे बढ़ें। अंत में परमेश्वर हमें और आपको बुलाता है कि हम और आप उसके वादों को लेकर आगे बढ़ें। मेरे प्रिय, वह हमारी शांति और सुरक्षा ठहरेगा। वह हमारे पाप ढांपने, हमें बचाने के लिए मरा। वह इंतजार करता है कि हम इससे ईमानदारी से अपने जीवन में पुकारने वाले बन जाएं, ताकि हम अपने जीवन में परमेश्वर के विश्राम को प्राप्त कर सके। अगर अभी भी आप अपने जीवन में परमेश्वर के वादों से परे हैं, उसके वादों को समझ नहीं पाए हैं, मेरे प्रिय, आज भी उसके वादों में कोई कमी नहीं हुई है, उसकी बातों में कोई अंतर नहीं आया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। वो ऐसा परमेश्वर है जो कभी बदलता नहीं है और वो आज भी बदला नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि अगर आज आप अपने जीवन में उसके वादों को जिसको उसने आपसे किए हैं, उसको आप देखना चाहते हैं कि आपके जीवन में पूरे हो जाएं, आइए हम और आप अपने परमेश्वर के वादों पर विश्वास करना शुरू करें। उसने जो कहा है वो पूरा करने वाला परमेश्वर है, उसके वादों को ग्रहण करें। ओ मेरे प्रिय, अपने जीवन में परमेश्वर के वादों के आनंद को प्राप्त करने के लिए, ओ मेरे प्रिय, अपने जीवन में उस सामर्थ्य को जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उसको हम अपने जीवन में लेकर के आगे बढ़ें। अपने जीवन में परमेश्वर के उत्तरदायित्व को ग्रहण करें और साथ साथ में परमेश्वर की सामर्थ्य को माने। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर की सामर्थ्य को मानेंगे, मेरे प्रिय, परमेश्वर की सामर्थ्य हमें और आपको छुड़ाएगी, हमें और आपको उभारेगी, हमारा और आपको उद्धार करेगी, हमारी कठिनाइयों का अंत करेगी। आइए हम प्रार्थना में चले, अपने सरों को झुकाएं, उस परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करें। मेरे प्रिय, मैंने जानता हूं कि हम और आप कहां पर, किस जगह में उसके वादों से चूक गए हैं। मेरे प्रिय, शायद इस पैंडमिक टाइम में हमें परमेश्वर के वादे
नहीं याद रहे हों, शायद हमें लगा हो कि परमेश्वर हमें छोड़ चुका है, शायद हमें लगा हो कि हमें लोग छोड़ चुके हैं, कोई हमारा सहायक नहीं है, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है, लेकिन परमेश्वर अपने वचन में कहता है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा, अब यो कहता है मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है, जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेंगी, जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ से तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूं, तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को देता हूं। मेरे प्रिय, आज भी वो परमेश्वर हमें और आपको, हमारे और आपसे जो वादा किया है उसके अनुरूप वो सारी चीजों को प्रदान करने के लिए तत्पर है। हमने और आपने जितनों ने उस पर विश्वास किया है, आज की सुबह विश्वास रखें, अपने वादे को पूरा करने वाला परमेश्वर हमारे और आपके बीच में चल फिर रहा है। किस बात की चाहत आपके हृदय में जली हुई है? कौन सा विषय है जिस पे लेकर के आप अपने आप में उधेड़ बुन में हैं? मेरे प्रिय, आज इस सुबह में उस संपूर्ण सृष्टि के रचयिता परमेश्वर के सामने अपने आप को रख लें, उससे कहें प्रभु हम पर दया कीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए कि मेरे पिता परमेश्वर, जब हमने आप पर विश्वास किया, जब हमने आपको अपने जीवन में चुना, तो आपने हमसे वादे किए प्रभु जी, और मेरे खुदा बाप हम विश्वास करते हैं कि उनमें से कोई भी टलने वाले नहीं है। अगर आपने वादा किया है तो वो पूरा होगा, अगर आपने वादा किया है कि हम चंगे भले रहें तो हम चंगे भले रहेंगे, अगर आपने वादा किया है कि हमारा भविष्य उज्जवल हो तो उज्जवल होगा। ओ मेरे स्वामी, अगर आपने वादा किया है कि हमारी आशा नहीं टूटेगी, तुम्हारी आशा नहीं टूटेगी, अगर आपने वादा किया है कि हम संपन्न होंगे तो हम संपन्न होंगे। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आपके लोगों पर दया कीजिए, आपके लोगों पर तरस खाइए, आपके लोगों की सहायता कीजिए। आपने पिता परमेश्वर अपनी प्रजा को कहा था, मैं तुम्हें कनान देश दूंगा, लेकिन बार बार अपनी छोटी सी गलतियों के चलते वे कनान देश की तरफ अपना रुख नहीं उठा पाते थे। प्रभु आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारे सुख और शांति और चैन और उद्धार के देने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं जो आज भी तूने हमसे वादा किया है, और मेरे पिता परमेश्वर वो वादे अटल हैं और जो बिना पूरे हुए नहीं टाले जा सकते। प्रभु आज आपके लोगों पर इनके विश्वास के अनुरूप इनके जीवन में ये सारे वादे आपके लोगों के जीवन पूरे हो पाए, प्रभु इनकी घबराहट दूर हो, इनकी अशांति जाती रहे, इनकी पीड़ाएं यीशु के नाम से दूर हो जाएं, हर एक तौर से ये अपने जीवन में पिता परमेश्वर तेरी मुक्ति को प्राप्त करें, जो परमेश्वर नूरखर, ताकि खुदा बाप मेरे पिता परमेश्वर मनुष्य से अगर ठगे गए, मनुष्य ने पिता परमेश्वर अगर लूटा है, मनुष्य के वादे अगर इनके सामने पिता परमेश्वर खुदा बाप इनको हिलाने के लिए मजबूरी का खाना बना रहे हैं, तो प्रभु आपके वादे इन पर सत्य ठहर जाएं, प्रभु आपके लोग आपके प्रेम में आपकी बातों में बढ़ने पाए। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, अपने लोगों की सुधि लीजिए, अपने मार्ग में इनकी अगुवाई कीजिए, अपनी महिमा इन्हें दर्शाइए, ताकि पिता परमेश्वर हम सारे आपके वादे के अनुरूप पिता परमेश्वर सारी बातों को जो आपने हमसे वादा किया है प्राप्त करके आपको धन्यवाद देने पाए। प्रभु आपको महिमा देते हैं, आपको इज्जत देते हैं, अपनी कलीसिया को आशीष दीजिए। कोई भी अगर बीमार है, कोई अगर संकट में है पिता, कोई आर्थिक कमजोरियों से होकर जा रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर जिनकी नौकरियां छूट गई हैं ऐसे पैंडमिक टाइम में, मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर जिनके पास अभी धन नहीं है प्रभु ताकि अपना इलाज कराए, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं उनकी जिंदगियों पर प्रभु तो अपना हाथ बढ़ा दे। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर तूने अपने वचन में कहा है प्रभु कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, ओ खुदा तेरा हाथ उन पर रख दे, तो मेरे पिता परमेश्वर तू चंगाई दे दे ताकि ये छूट करके तुझे महिमा आदत दे। धन्यवाद करते हैं, तुझे इज्जत आदते हुए सारी विनती और प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, सभी को जय मसीह। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और मैं आशा करती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु ने आपको आज अपने वचन द्वारा अनोखे तरीके से छुआ है, आप परमेश्वर की उपस्थिति को अलग तरीके से आज महसूस किए हैं। और इसी के साथ मैं आपको एक खुशखबरी देने के लिए आई हूँ, और वो ये है कि 6 दिसंबर, जी हाँ 6 दिसंबर कम्युनियन संडे है, प्रभु भोज का दिन है, और
आप अपने घर पे नहीं लेकिन चाहें तो परमेश्वर के भवन में आकर कम्युनियन को ले सकते हैं। संडे 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक एक सभा होगी सुबह, और शाम को 4 से लेकर 5:30 बजे तक। मैं फिर रिपीट करती हूँ, 6 दिसंबर को हिंदी की सभा है 10:30 से लेकर 12 बजे, और दूसरी सभा है 4 से लेकर 5:30 बजे तक। लेकिन 8 तल्ला जैसे जहां होता है वहां नहीं है, इस बार जगह स्थान बदल दी गई है। स्कूल बिल्डिंग के 4th फ्लोर में, स्कूल बिल्डिंग के 4 तल्ला में जीडीशो हॉल में सर्विस होगी, वहां सर्विस होगी। कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है जब हम आते हैं। पहली बात, आप अपने मास्क जरूर लगा कर आए, अपने साथ एक छोटा सैनिटाइजर का बोतल रखें, दूरियां बनाए रखें। चर्च में भी आप जब बैठेंगे तो आप पहले जैसे एक दूसरे के साथ पास पास नहीं बैठ पाएंगे, आपको थोड़ी दूरी में बनाए रखना है। सर्विस, मैं जानती हूँ ये हम मसीह भाई बहनों का बहुत ही प्यारा एक ग्रीटिंग्स अभिवादन करने का तरीका है कि हम सबको जाकर गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, पर अभी थोड़ा सा हमें अपने आप को काबू में रखना है, अपने इमोशंस को, अपने भावनाओं को थोड़ा काबू में रखना है। हम अभी तुरंत आकर ही किसी को गले नहीं मिलेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे, हाथ दूर से जरूर मुस्कुराइए, जय मसीह की कहिए, पर पास किसी के नहीं जाएंगे। खास और गुजारिश है, आपकी सुरक्षा को सोचते हुए, आपकी सुरक्षा की बातों को ध्यान रखते हुए ये आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, 10 साल से छोटा अगर कोई बच्चा है, या फिर बुजुर्ग है जो बीमार रहते हैं, या फिर शरीर से इतने स्वस्थ नहीं हैं कि वो मूवमेंट आना जाना कर सकें, तो कृपया उन्हें घर पर ही रहने दें, उन्हें लाकर उनके लिए समस्या ना बढ़ाएं। अगर कोई बीमार है, आप खुद जानते हैं कि आप बीमार हैं, परमेश्वर की चंगाई आपको चाहिए, लेकिन उसके लिए हम सब मिलकर, आप भी मिलकर हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु चंगाई दे। पर अगर आप बीमार हैं तो कृपया चर्च ना आए, घर पर रहकर प्रार्थना करें। और कहीं भी चर्च खत्म होने के बाद इकट्ठे एक जगह बातचीत करना ना शुरू करें। चर्च खत्म हो जाती है तो जल्दी जल्दी आप चर्च के कैंपस को छोड़ दें, क्योंकि दूसरे सर्विस के लिए लोग आएंगे जाएंगे, तो भीड़ जितना कम हो उतना अच्छा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि इन बातों को थोड़ा ध्यान रखेंगे रखते हुए प्रभु के भवन में आपका स्वागत है। तो 6 तारीख को आप चर्च आ सकते हैं, 2 सर्विसेज हैं, आप सर्विस के अकॉर्डिंगली आइए। परमेश्वर को धन्यवाद। हाँ, मुझे पता है अभी सब बहुत खुश हैं, ताली बजा रहे हैं, बजा लीजिए। और परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए अपने दान, अपने 10वां अंश, अपनी भेंट प्रभु के चरणों में लाएं। स्क्रीन पे ऑनलाइन लिंक दी गई है, इस लिंक पे दे सकते हैं। आप चाहते हैं पार्क स्ट्रीट आना तो जरूर आइए, दान की पेटी खुली है। अपना दान, अपना 10वां अंश प्रभु के चरणों में, दान की पेटी में दे दीजिए या पासवान के हाथ में दे दीजिए। परमेश्वर सबको खुश रखे, आनंद रहिए, और जितना हो सके परमेश्वर की खुशी और आनंद दूसरों के साथ बांटिए। जय मसीह की।